हम यहाँ से घर शिफ्ट करके जा रहे हैं, तुम्हें नहीं पता? हाय अल्लाह चीकू, तुम ऐसे को मेडी कर रहे हो ना? कम्मो, वो क्या होती है? मैं कोई ऐसे काम शाम नहीं करता। मखोल, मजाक चीकू। कम्मो, ना तो तुम्हारा मेरा मजाक है और ना ही मुझे तुमसे मजाक रखने का कोई शौक है। हाय अल्लाह, तुम्हारे सीने में तो पत्थर का हार्ट है। तुम लोग सच्ची मुझसे शिफ्ट हो रहे हो? हाँ, मिशी और मम्मी वगैरह तो पहले से नए घर में चले गए। हमारे मामू ने हमें डिफेंस में नया घर लेके दिया है। तुम लोग फॉरएवर वहीं रहोगे? नहीं, सुबह को यहाँ रहा करेंगे और शाम को वहाँ चले जाया करेंगे। हटो यहाँ से, चलो चाचा जी चलिए। चलो चाचा जी, सकीना, वैसे तो तू मेरी बहन है मगर निरीक्षित है। पिछली दफा जब मैं तेरे घर आया था तो तूने खुद ही तो मुझे बताया था कि बुक भर के नोटों की किराए की सूरत में अदा करती है। दीवारों को दीमक लगी हुई थी तो मेरा बड़ा दिल खराब हुआ था। अरे अब्बा, ये घर तो बहुत ही अच्छा है। हाँ अब्बा, आपका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। सारा फर्नीचर, सारा आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। ना बेटा, ये मेरा टेस्ट नहीं है। मेरा एक दोस्त है, गांव में हुआ करता था, यहाँ आके तो प्रॉपर्टी डीलरी शुरू कर दिया है, ये उसका टेस्ट है। हाँ जी, आप नए घर में मुझे अपने साथ ही रखेंगी ना? नहीं आश मैडम, साथ वाले खाली प्लॉट में ना तुम्हें रूडी के साथ झुग्गी डाल देंगे। हे मिशी, हे मिशी, बकवास। क्या बकवास कर रही हो तुम लोग? ऐश बेटे, तुम मेरे घर में नहीं मेरे साथ रहने आई हो, अब तो तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो। थैंक यू आंटी। ना बेटा ना, ये फरंगियों वाला लफ्ज नहीं बोलना, मैं तुझे भी अपनी इन बेटियों की तरह ही समझता। किसी बात से भाई का भाई बहन लगती है। कट्टर है ऐसे। हाय अल्लाह आंटी, आप मुझे छोड़ के दूर आ गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अपनी मिशी, तुम लोग मुझे छोड़ के इतनी दूर क्यों आ गए हो? मैं दो दिन के लिए आउट स्टेशन क्या चली गई कि तुम लोग मुझे छोड़ के यहाँ पे आ गए? हाय अल्लाह। और ना बेटा ना, इस तरह एक ही सांस में इतने जुमले नहीं बोला करते। इतने जुमले तेज तेज बोलने से फेफड़ों में हवा भर जाती, बंदा फौत भी हो जाता। हाय अल्लाह मेरी फ्रेंड्स। कमाल, इतनी गर्मी में इमोशनल होकर चिपकने की जरूरत नहीं है। मम्मी मेरे साथ गधे पे बैठ के आई है। पागल ना हो तो, सारा शहर मुझे सीटियां मार रहा था। बेटा, वो तुझको सीटियां नहीं मार रहे थे, वो गधे को मार रहे थे। तूने बिला वजह अपने दिल पे बात ले ली है। हाय अल्लाह मुन्नी मिशी, मैं बिल्कुल बेसहारा और बेफ्रेंड हो गई हूँ, प्लीज मुझे सहारा चाहिए। शोश वीर, हाय आप मेरे पास आ जाए ना। हाय हाय, इस मेम साहब के गले लगने से तो बेहतर है कि मैं गुड़ खा के ही मर जाऊं। सिकंदर, इनकी बकवास नहीं बंद होगी, तू ऐसे कर, तू आराम से अंदर चल के बैठ, मैं इनको खुद ही घर और कमरे दिखा दूंगी। चल बैठ। चलो बच्चों आओ। लड़कियों, अब्बा के सामने ना अपनी जुबानें जरा बंद रखना। भाई घर तो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, पर है छोटा, कमरे कम है इसमें। लेकिन आंटी बाहर से तो इतना बड़ा सा लगता है। ऐश मैडम, आप अपनी आंखों का इलाज कराएं, बाहर से भी काफी छोटा लगता है वैसे। मिशी, वैसे तुम बड़ी नाशुक्री हो। एक तो तुम्हारे अब्बा ने अपने खून पसीने की कमाई से तुम लोगों को ये घर लेके दिए और तुम नाशुक्री कर रही हो। चीकू, वैसे खून पसीने की कमाई से नहीं लेके दिया, गंदम की फसल की कमाई से लेके दिया।
अगर ये थूथनियाँ बंद कर लो थोड़ी देर के लिए तो इस गरीब माई की कोई बात सुन लो। वाओ आंटी, आप किसी के घर में सफाई करती हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? आंटी कह रही है ना कि वो माई है। बकवास! खुदा के लिए मेरी बात सुनो, ये कमरा तुम तीनों लड़कियां शेयर करोगी। क्या पप्पो? पप्पो मैं ऐश और मुन्नी के साथ एक कमरे में रहूंगी। तो और क्या? तो क्या हुआ मिशी, तीनों बहनें प्यार मोहब्बत से एक ही कमरे में इकट्ठे रहना? हाँ जी चिकू भैया। भाई जॉन, ऐश मेरी बात सुनो, कल तुम मार्केट जा रही हो और काफी सारी मकदार में डिओड्रेंट्स लेके आ रही हो, ठीक है ना? बेशक। अब मेरी बात सुन लिया ना तुम लोगों ने, ठीक है? आओ अब मैं तुम्हें और कमरे दिखा दूं। चल के चलो। चलो हाय ला अंकल, काश मेरी मम्मी पापा को भी ना इतनी सेंस होती कि घर जरा पोश इलाके में लेना चाहिए। ना पुत्र, ऐसे इलाकों में रहते नहीं है। अंकल एक तो ये बड़ी मुसीबत है ना, ये विलेज के पीपल को इंग्लिश नहीं आती। वेरी गुड बेटा, हम तो खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ पसीना आता है। और ये हमारा पसीना ही होता है जो ज़मीन पर गिरता है तो शहर वालों के लिए भी अनाज पैदा करता है। अंकल आप नहीं समझेंगे, स्टेटस भी कोई चीज़ होता है आखिर। वैसे आपने बड़ा अच्छा किया जो घर ज़रा हाई सोसाइटी में ले लिया। हाई सोसाइटी में घर तो ले लिया है, पर पता नहीं ये हाई सोसाइटी वाले हमें अपने साथ रहने भी देते हैं या नहीं। सिकंदर मुझे कह रहा था कि मैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ आके ठहरा करूँगा। हम ऐसा करते हैं कि एक कमरा उसके लिए सेट कर देते हैं। अहे पुप्पो, ये अब्बा को क्या बनी? अब मम्मी मुझे कौन सा कमरा मिलेगा? ना तुझे अलग कमरा लेने की जरूरत क्या है, तू अपने मामू के साथ ही बिस्तरा डाल ले। हरगिज़ नहीं मम्मी, मैं नहीं किसी के साथ कमरा शेयर करूंगा, मुझे अलहदा कमरा चाहिए। क्यों? कोई प्राइवेसी होती है इंसान की। हाँ, और हम तीनों तो मुर्गियां हैं ना जो डरबे जैसे कमरे में रहे। और क्या, और वो भी इकट्ठे। मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे अलहदा कमरा चाहिए, मैंने नहीं किसी के साथ कमरा शेयर करना। मम्मी चाहे आप मुझे स्टोर में बिस्तरा डाल दे, लेकिन मैं नहीं रहूंगा किसी के साथ। हाय बेचारे चीकू की कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं ना। ऐश मैडम इतनी छोटी भी नहीं है, मिस्टर को पूरा कमरा चाहिए, वो भी अलहदा। अब ज्यादा बोल मत, और वो लॉबी के साथ वाला जो छोटा कमरा है ना वो ले ले। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। वैसे बहुत लाडला है ना? कुछ ज्यादा ही लाडला है। लेट्स गो गर्ल्स। क्लास मम्मी, थैंक यू सो मच मम्मी, मम्मी थैंक यू सो मच मम्मी। आपको पता है आप दुनिया की अजीम तरीन माँ है। हाँ, मेरा ये अजीम तरीन बेटा, हम दो ही तो है ना, कितना चलाक है, कितना मक्कार है तू। चीकू मिस्टर को अलहदा कमरा मिल गया है। नवाब ज्यादा ना हो कहीं का। आप लोग मेरे वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। हाँ नहीं, मेरा मतलब है तुम हो तो तुम्हें बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे लगता है इसको हमें ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, जस्ट गुस्सा चढ़ रहा है, चलो मेकअप भी कर लेते हैं। मिशी सारा सामान पैक्ड है, सिर्फ मेकअप वाला डब्बा खोल लो ना। अच्छा मगर मिशी यहाँ तो कोई डब्बा शब्बा नहीं आया है, सामान कहाँ है? चीकू को बताऊंगा। चीकू, चीकू, चीकू! क्या बात है मिशी, तुम आवाजें दे रही थी, कमोत तुम्हें नहीं दे रही थी, चीकू को आवाजें दे रही थी। हाय अल्लाह, तो एक ही बात है ना। हाय अल्लाह, हर वक्त चीकू के पीछे क्यों पड़ी रहती है? Because he likes me. मुन्नी दो ना तुम चीकू को आवाज। हाँ चीकू, बहरे हो गए तुम लोग, इतनी जोर जोर की आवाजें क्यों दे रहे हो? चीकू वो हमारा मेकअप वाला डब्बा कहाँ है? कौन सा वाला? व्हाइट वाला जिसके ऊपर काले निशान थे। हाँ मुझे क्या पता कहाँ है। चीकू सारा सामान तुमने ट्रक से उतरवाया था, वो डब्बा कहाँ है? उसमें तो उन्होंने मेरा सारा सामान भी मिक्स कर लिया था। वो एक वाइट रंग का डब्बा जिसपे काले काले निशान थे। हाँ वही डब्बा। मुझे नहीं पता कहाँ है। चीकू तुम्हें पता है? नहीं मुन्नी मुझे क्या पता, नीचे ही होगा कहीं पे। ए, मुझे हॉल पड़े है, मेरा दिल बैठा है। चलो चलो वो डब्बा ढूंढे। चलो चलो
मिशी प्लीज, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था, मुझे कुछ ना कहना। मिशी वो जो व्हाइट रंग का डब्बा था ना जिसपे काले काले निशान थे, वो मैंने ट्रक में से नहीं उतारा, मैं समझा वो ट्रक वाले का है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। हेला चीकू, मिशी के तो हाथ पांव भी ब्लू हो रहे हैं। मिशी, हमारा सारा मेकअप उसमें था, यहाँ तक के हल्के छुपाने के लिए बेस भी उसमें थी। हेला, तूने मुझे इतने दिखाने से पहले उठा क्यों नहीं लिया? मिशी, हम अब किसी को मुंह नहीं दिखाएंगे। हाँ मुन्नी, प्लीज मत दिखाना, मेकअप के बगैर बहुत डरावना है। बकवास, मुझे चारों तरफ मौत दिखाई दे रही है। चीकू, आई हेट यू। ये लो, तुम लोगों की जिंदगी का मकसद, तुम लोगों का मेकअप वाला डब्बा वापस कर दिया ट्रक वाला आके। कहा था तू, तुझे कुछ हो जाता। उसकी हौसला करो। सिकंदर, मेरा तो दिल घबरा रहा है भूख से। तूने सबसे पहले चूल्हे का कनेक्शन लेके देना था। वेरी गुड, सच पूछना तो मेरा भी दिल घबरा रहा है और ठंड इतरेलियां शुरू हो गई हैं। बस तेरा शुगर लेवल डाउन हो गया। ये शहर की धूड़ और धुएं में तो बंदा डाउन हो जाता है, ये शुगर लेवल ने माना क्या चीज है। अंकल, मैंने आपसे एक बात करनी है। बेटा, बात अलहदगी में करने वाली या तेरी माँ के सामने ही हो जाएगी। अंकल, आपकी जो बेटियां हैं ना, वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं। कब से? अंकल, वो लिपस्टिक लगाना उनको नहीं भूलता, सांस लेना उन्हें भूल जाता है। आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास उन्हें लेके जाएं। ये साइकेट्रिस्ट कौन होता है? ज़हनी अमराज के डॉक्टर को साइकेट्रिस्ट कहते हैं। डॉक्टर? इसका मतलब है मेरी बेटियां बीमार हो गई हैं। सकीना बहन, मैंने तो बच्चियों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, उनको तूने बीमार कर दिया। सिकंदर, इसकी थूथनी बंद नहीं होती, ये सबसे बड़ा पागल तो ये खुद बैठा है। क्यों भी पागल? नहीं अंकल, वो वाकई बीमार हो गई हैं। अच्छा, कैसे, कब, क्यों? अंकल, वो इतनी अजीब बातें करती हैं कि आपकी सोच है। अंकल, वो उस दिन कह रही थी कि अब्बा हर हफ्ते यहाँ पे आया करेंगे, तो अब हम उनको अब्बा नहीं कहा करेंगे, डैडी कहा करेंगे। पूछे क्यों? क्यों? वो कह रही थी अब्बा कहने से लिपस्टिक खराब हो जाती है। अब्बा, अब्बा, बे पे जोर देने से ना, और अब्बा अब्बा कहने से लिपस्टिक खराब हो जाती है। मिशी, बे पे शद होती है ना, इसलिए डैडी। अब मैंने डिसाइड कर लिया, आज से मैं अब्बा को डैडी कहूंगी। डैडी, हाँ, दिस इज मच बेटर। हाय अल्लाह, मैं भी तो अपने अब्बा को पापा कहती हूँ। पापा, देखो पापा में भी तो दो दफ़ा पे आती है, इस तरह कहने से भी तो लिपस्टिक ख़राब हो जाती है। बस मैंने भी सोच लिया है, मैं ना आज से अपने अब्बा को ना बस डैड कहा करूँगी। ओ डैड, कमो हम लाहौर में रहते हैं, शिकागो में नहीं रहते। गर्मी और हब सो रहा है, डैडी ने घर तो ले गया लेकिन एसी नहीं लगवा के दिया, कोई ताज़ा हवा का झोंका भी तो नहीं आ रहा है। मिशी, ताज़ा हवा का एक झोंका है, जल्दी से इधर आओ। चलो चल के पूछते हैं ये हैंडसम कौन है। हाँ हाँ, ये ठीक है। नहीं नहीं, दिमाग खराब हो गया है। मेरे पास एक आइडिया है, हम इसके पास चलते हैं और उसको कहते हैं कि हम रास्ता भूल गए और ये हमें घर पहुंचा दे। इतनी देर से कुछ खाने के लिए लेने गए हुए, मुझे भूख लग रही थी। और तुम यहाँ चुप चुप के केले खा रहे हो। चीकू, प्लीज मुझे भी एक दे दे। सॉरी आश, वो दो ही थे, मैंने तो दोनों खा लिए।
ना तो तुमने जरूर उस मासूम बच्चे का हक मारना है। अच्छा रिटार्ड, चलो अंदर। सलामुअलैकुम बाजी। तुम कौन हो? साथ वाली बाजी ने भिजवाया। क्यों? कह रही आप लोग नए आए तो कह रहे खाना हमारी तुसे खाना। ठीक है जाओ। थैंक यू। ये क्या देखो ये इस वक्त तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? बाहर से मम्मी। बाहर क्या कर रहे थे? मम्मी वो ये लोग। पापा वो बेल बजी थी तो हम लोग सारे देखने गए थे कि कौन आया है। बेल बजी थी तो वो बेल मुझे सुनाई क्यों नहीं दी? लेकिन आंटी बेल तो बजी भी नहीं थी। पुप्पो इसका तो पुप्पो बेल बजी थी। तुम अपने कान साफ कराओ। हाँ ईयरबड मुझसे ले लेना। तोहफा है इन जितना कद है और अकल सारी की सारी गिटों में है, बात भी नहीं हैंडल करनी आती। वो असल में आंटी जी बाहर सातों का बच्चा आया था, वो खाना दे के गया है। अच्छा कितने अच्छे लोग हैं वो। मम्मी इसको मैं किचन में रखा। हाँ अब किचन में रख के आना। हाँ मम्मी चलो जी। चीकू आपने चोरी करके क्यों खाया? हाय अल्लाह चीकू मेरा सालन ना खाओ, ये 100 साल पुराना बुढ़ा सालन खाओ। नदीदे खा ले नदीदे भूखे। हाँ बड़ा पड़ा रहता है तुझे खाने का हर वक्त। खा खा और खा। हेलो बी वेरी गुड बच्चियों, अब ये परोठे खाओ। मैं उधर मार्केट में गया ना तो वहाँ एक माई तो दूर के ऊपर ये परोठे पका रही थी, बड़े शानदार आलू वाले परोठे। लेकिन अंकल इनमें आलू तो नहीं है। अंकल इन मेम साहब के लिए ना साबित पोटैटो डलवा लेने थे पोटैटो में। ऐश मैडम अब जरूरी तो नहीं है ना कि जो डिश का नाम हो उसके अंदर वो चीज भी हो। मेरी बेटी माशाल्लाह कितनी समझदारी की बातें करना शुरू हो गई है। अब देखो ना मिसाल है कि एक पुलाव होता है उसका नाम होता है अफगानी पुलाव, तो वो अफगानी पुलाव में कोई अफगानिस्तान तो नहीं ना होता ना, और चप्पी कबाब में चप्पल तो नहीं होते हैं ना। तार 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 जितनी मर्जी बातें इनसे करवा लो, खाना खाओ चुप करके। मम्मी मुझे भूख लग रही है। चीकू मिस्टर शौक नहीं पूरे हुए अभी आपके खाने खाने के। चीकू जाओ उस साथ वाली आंटी से वो पुराना खाना ले आओ जाके। सो स्वीट चीकू आपकी तबीयत कैसी है? हाय स्वीट, तुम इसकी अम्मी हो तो इतने प्यार से पूछ रही हो? नहीं नहीं मेरे शहजादे को कोई कुछ ना कहे। ले बच्चे ये परौठा कड़का जाओ। बस बस कर बेटा, अब लासा ना किया कर, आराम से खा आराम से खा। भाई चीकू शहजादे मैंने सुना है कि तू अपना को गाना शाना भी गाता है, डांस शांस भी करता है, तो बेटा ये नए घर में आए हैं इसमें आने की खुशी में कोई गाना शाना कोई डांस शांस कोई ठुमका शुमका लगे। खाना खाने की पड़ी हुई है बस खाता जाए।